नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में फूलों की अवस्था में कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए और कौन सा टोनिक या खाद स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा परिणाम मिल सके, इल्लियों का सफाया भी हो सके, चाहे वो गटर बीटल हो, रिंग कटर हो या सेमी लूपर हो, कौन सी भी इल्ली हो उसका सफाया हो सके और फूलों की अवस्था में फूलों की वृद्धि के लिए अच्छा टोनिक और फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं फूलों की अवस्था है और इल्लियों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। आप छेद देख सकते हैं पत्तियों पर, तो इल्लियों का प्रकोप भी है और ये इल्लियां जो है ये कुछ समय के पश्चात ये फूलों को खाना शुरू कर देंगी जिससे उत्पादन में कमी होगी। तो ऐसी अवस्था में आपको कौन सा स्प्रे लेना चाहिए? तो सबसे पहले किसान साथियों, अगर इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो आपको ये जो अभी आप मैं वीडियो में बता रहा हूँ लेमड़ा 4.9, ये CS फॉर्मुलेशन में है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फूलों पर भी नुकसान नहीं करेगा और इल्लियों को भी मार देगा। हालांकि इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा ठंडा है, ये 4 से 5 दिनों के भीतर धीरे धीरे इल्ली को मारता है। पहले इल्ली पैरालिसिस होती है और उसके बाद वो खाना छोड़ देती है। अब बात करते हैं किसान साथियों स्प्रे की, जो फर्टिलाइज़र है। तो फर्टिलाइज़र के रूप में हम स्प्रे करने वाले हैं 0534 को। इसमें नाइट्रोजन नहीं है और सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो सोयाबीन की जो फसल है वो वैसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो आप 0534 का स्प्रे कीजिए किसान साथियों फूलों की अवस्था में, इससे बेहतर परिणाम आपको किसी भी टोनिक या खाद का नहीं मिलेगा। तो आप लेमड़ा 4.9 के साथ 0534 का स्प्रे ज़रूर करें। और इसके अलावा आप लिक्विड सल्फर को ले सकते हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल में सल्फर की कमी अक्सर देखी जाती है। आप 80% वाला भी ले सकते हैं या अगर येलो ब्लाइट हो तो टेबिकोनाजोल सल्फर भी लिया जा सकता है, लेकिन हमारी जो फसल है इसमें ऐसी कोई बीमारी देखी नहीं जा रही है तो हम लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका यूज़ भी आसानी से हो जाता है। हम 40 ml पर पंप, जो 20 लीटर का पंप होता है, उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो कॉम्बिनेशन है लेमड़ा 4.9, 0534 और ये लिक्विड सल्फर, इसमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी है, तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, फूलों की संख्या में वृद्धि और पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपकी जो इल्ली है, रिंग कटर, सेमिल ऊपर, ये सारी साफ भी हो जाएगी। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।